नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ग्लोबल एटॉमिक नेटवर्क में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे, एक अच्छी न्यूज़ आई है कि आप एटॉमिक के मोबाइल एप्लीकेशन से आप एटॉमिक ऑफिस विजिट करने का टाइम और स्लॉट आप बुक कर सकते हो। जिस डेट में आपको एटॉमिक ऑफिस विजिट करना है और 9 से 5 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें 1 घंटे का जो टाइम दिया जाएगा एटॉमिक ऑफिस की तरफ से, तो 1 घंटा आपको कब विजिट करना है, 9 से 5 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे। आप जो कस्टमर केयर को कॉल कर करके टिकट बुक करते थे, अभी वो टिकट आप एटॉमिक की मोबाइल एप्लीकेशन के साथ कर सकते हैं। तो एटॉमिक की मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये जो फ्रंट में एप्लीकेशन देख रहे हैं ये ऑफिशियल एटॉमिक की मोबाइल एप्लीकेशन है, ये नहीं है वो, ठीक है। इसमें जैसा आप वेबसाइट में देखते हैं सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन अभी इन्होंने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है एटॉमिक टिकट ऐप, ठीक है, एटॉमिक टिकट ऐप, ये एटॉमिक टिकट ऐप है, ठीक है। तो इस एटॉमिक टिकट ऐप के ऊपर आपको क्लिक करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है आपको, गूगल प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है एटॉमिक टिकट ऐप, ठीक है, एटॉमिक टिकट ऐप आपको टाइप करना है। और फिर उसमें आपको ऊपर जो दी गई एप्लीकेशन ऑफिशियल एटॉमिक टिकट ऐप, वो ऑफिशियल एटॉमिक की टिकट एप्लीकेशन है, और नीचे वाली जो देख रहे हैं ऑफिशियल एटॉमिक मोबाइल, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसा आप वेबसाइट के अंदर लैपटॉप में देखते हो वो सारी चीज़ें आप एटॉमिक मोबाइल ऐप में देख सकते हो। अभी इन्होंने अलग से एक एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है ऑफिशियल एटॉमिक टिकट ऐप। तो इसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इसको आपको इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल के अंदर, ठीक है। जैसे ये आपके मोबाइल के अंदर इंस्टॉलेशन हो जाएगा इसका कंप्लीट, फिर आपको इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। डाउनलोड द एटॉमिक टिकट एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, एंड्रॉयड या एप्पल दोनों में अवेलेबल है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपको जैसे ये ऑफिशियल एटॉमिक टिकट एप्लीकेशन आपने इंस्टॉलेशन कर लिया मोबाइल में, उसको ओपन करना है। तो जैसे इसको आप ओपन करोगे तो इसमें ये कुछ परमिशन मांगेगा, एटॉमिक टिकट विल सेंड पुश नोटिफिकेशन टू योर मोबाइल, तो इसको परमिशन आपको देना है यस, ठीक है। एटॉमिक टिकट ऐप नीड्स टू एक्सेस रिक्वायर स्टोरेज कैलेंडर, जो भी जिसके आप परमिशन देना चाहो आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट स्टोरेज टू एक्सेस फाइल्स व्हेन रजिस्टर फॉर सेमिनार्स, तो स्टोरेज में जो एटॉमिक की फाइल सेव होगी वो आपके स्टोरेज में, उसके एक्सेस कैलेंडर का जो डेट है वो आपको सेलेक्ट करना है, लोकेशन और कैमरा, वुड लाइक टू एक्सेस द कैमरा एंड योर फोटोज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी और इसमें ओके पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे ओके पे क्लिक करते हैं तो अलाउ, ठीक है, जिस चीज़ को आपको अलाउ करना हो आप अलाउ कर सकते हैं, जिसको डिसअलाउ करना चाहो, डिनाई करना चाहो तो आप डिनाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपकी मर्जी के ऊपर है आप कौन कौन सी चीज़ें एटॉमिक की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर आप अलाउ करते हो, ठीक है। सबसे पहले ये इस तरीके का आएगा आपके पास, ऊपर लेफ्ट साइड में जैसा आप देख रहे हैं मेन मेन्यू लॉगिन माई इवेंट और विश लिस्ट, और राइट साइड में ओवरव्यू ऑफ द शेड्यूल है, और ये डाउन साइड में सेंटर में। तो मैं ऊपर, हम इसके ऊपर एक क्लिक करेंगे ऊपर के ऊपर, ठीक है, ये सेकंड है ऑप्शन इसका, रजिस्टर टू कैलेंडर, शेयर, शेयर ऑन SNS, इस मोबाइल एप्लीकेशन को आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये शो माय इवेंट्स, इस तरीके से आपको बुक करना है यहाँ पे, ठीक है। और सर्च बाय डेट्स, तो डेट्स के साथ आप सर्च कर सकते हैं, और इंडिया ही नहीं यहाँ पे आप ग्लोबल जो इवेंट्स होते हैं उनकी सारी जानकारी मिलेगी आपको दोस्तों इस एप्लीकेशन के ऊपर, और ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मोबाइल में इसमें ये दिखा रखा है कि इसमें क्या क्या मेन्यूज़ हैं और किस मेन्यूज़ में क्या क्या उसका फंक्शन है। जैसे ये रशिया का दिखा रखा है इसमें, ठीक है, रशिया ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी का, ठीक है। तो इसमें काफ़ी आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी ग्लोबल इवेंट होते हैं एटॉमिक के, कहाँ कहाँ इवेंट हो रहे हैं, पीछे कहाँ कहाँ इवेंट हुए इनके, वो सारी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। और इसको लास्ट में नीचे क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद डू नॉट ओपन दिस विंडो फॉर टूडे, ठीक है। अभी इसको क्लिक करना है, क्लोज करना है। अब आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बुक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर विजिटिंग एटॉमिक, तो ऊपर आपको क्लिक करना है, जो पहला स्टेप है इनका इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। ये फर्स्ट, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया रजिस्ट्रेशन फॉर विजिटिंग एटॉमिक के ऊपर, तो इस तरीके का एक वीडियो आएगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप टाइम निकाल करके आप देख सकते हो इस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद आपको कोरिया एटॉमिक पार्क और नीचे इंडिया एटॉमिक इंडिया ऑफिस, तो ये सेलेक्ट करना है आपको, इंडिया एटॉमिक इंडिया ऑफिस ये वाला, ठीक है। जैसे आपको सेलेक्ट करना है
उसके बाद आपको फोकस करना है नेक्स्ट पे जो नीचे लिखा हुआ है टूर रजिस्ट्रेशन। टूर रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको एटोमी के इंडिया ऑफिस में जाना है और बुकिंग करनी है, तो उसका नाम यहाँ पे दिया गया है टूर रजिस्ट्रेशन। तो इस पे टूर रजिस्ट्रेशन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेंबरशिप आईडी पासवर्ड आपको डालना है, लॉग इन करना है आपको अपनी आईडी पे, काइंडली लॉग इन आफ्टर फिलिंग मेंबर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है, और जो डेट सेलेक्ट करना है फिर उसमें टाइम सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। और फिर आगे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, नंबर ऑफ पीपल, कितने फ्रेंड्स आएंगे आपके, वो इंडिया के हैं या बाहर के हैं, ठीक है। तो ये 5-6 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। तो मैं लॉगिन करने के पश्चात आपको इस वीडियो की आगे डिटेल्स चेक करता हूँ। तो अभी लॉगिन करना पड़ेगा हमें, फिर पासवर्ड डालना पड़ेगा, आगे का वीडियो अभी आप कंटिन्यू देख। दोस्तों जैसे आप लॉगिन कर लोगे एटोमी मोबाइल ऐप के अंदर, जो टिकट एप्लीकेशन है उसके अंदर, तो लॉगिन करने के पश्चात आपको ये जनवरी का मंथ चल रहा है, ठीक है। तो आपको विजिट करना है एटोमी ऑफिस, तो स्लॉट कैसे बुक करना है, तो ये डायरेक्ट जैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो टूर रजिस्ट्रेशन के नीचे ये कैलेंडर मंथली स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे मेरे को विजिट करना है मंडे टू फ्राइडे, और डेट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ 27, तो मैंने 27 सेलेक्ट कर लिया डेट यहाँ पे। फिर उसके बाद टाइम स्लॉट डालना है आपको, 10 से 11 जाना है या 11 से 12। तो इसमें दोस्तों हमने डेट सेलेक्ट कर ली है, डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना टाइम सेलेक्ट करना है, जैसे 11 बजे का सेलेक्ट किया है हमने टाइम। तो टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, जो आपका यूज़र नेम आईडी है ऊपर रेड मार्क में वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर, विजिट पर्सन, कितने पर्सन आपके जो फ्रेंड्स हैं कितने लोग जाएंगे, मैक्सिमम 40% अलाउ है, और मेंबर नेशनलिटी सेलेक्ट करना है आपको इंडिया, और टूर रजिस्ट्रेशन पे कंफर्म करते ही आपका स्लॉट यहाँ पे बुक हो जाएगा, और एक पीडीएफ फाइल आपकी जनरेट हो जाएगी, उसको आप देख सकते हैं किस डेट और टाइम में आपका और आपकी टीम का एटोमी ऑफिस का विजिट स्लॉट बुक किया आपने, ठीक है। तो इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन है आपको दी गई है, तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया होगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये है रजिस्ट्रेशन फॉर एटोमी, विजिटिंग एटोमी, और उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है इंडिया, इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, फिर टाइम सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन में जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कितने आपके फ्रेंड्स जा रहे हैं, मेंबर नेशनलिटी इंडिया, और टू रजिस्ट्रेशन, तो ये सारा फाइनल स्टेप है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और अगर आप एटोमी में रजिस्टर्ड नहीं है, सबसे पहले तो आपको अपनी आईडी एटोमी में एज ए कंज्यूमर मेंबर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, फिर आप अपनी टीम को वहाँ पे स्लॉट्स बुक करके टिकट ऑनलाइन जनरेट करके मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा आपको बुक करना है। तो इसके लिए आपका एटोमी मेंबर बनना बहुत ज़रूरी है, पहले आपकी आईडी रजिस्ट्रेशन होना एटोमी के अंदर बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही दोस्तों आप ये एप्लीकेशन से टिकट बुक कर पाएंगे। और अगर आपकी आईडी अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है तो आप टीम वॉरियर के साथ जुड़ के आप अपना एटोमी स्टार्ट कर सकते हैं, और आपकी पूरी की पूरी टीम को इंडिया में ऑल ओवर वेयर फुल सपोर्ट मिलेगा दोस्तों एटोमी के टीम वॉरियर एजुकेशन सिस्टम का, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको एटोमी से रिलेटेड करंट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।